इस वीडियो में एक दिन की बादशाहत पाठ की अभ्यास पुस्तिका को पूरा करेंगे। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बच्चों, इस पाठ को अच्छी तरह से समझने के लिए पाठ का अर्थ व इसके अभ्यास प्रश्नों को आप मेरे इन दोनों वीडियो में देख सकते हो, जिनका लिंक नीचे दिया हुआ है। जैसा कि हमने इस पाठ में पढ़ा कि बच्चे सलीम और आरिफ अपने बड़ों के व्यवहार से खुश नहीं थे, क्योंकि उन पर हर बात पर पाबंदी व टोका टाकी की जाती थी, तो इसी बात को लेकर वो परेशान थे। लेकिन उन्होंने एक दिन के लिए घर में हुक्म चलाने के अधिकार ले लिए, यानी वो एक दिन के लिए बादशाह बन गए अपने घर के, और अपने घर वालों की भाषा में ही फिर उनको समझाया, तब बात उनके घर वालों के समझ आई। तो अब इस पाठ की अभ्यास पुस्तिका को पूरा करते हैं। एन का अर्थ है ठीक, दरख्वास्त अर्जी, लिहाजा इसलिए, खिदमत सेवा करना, खान सामा रसोइया, निवाला टुकड़ा रोटी का, सालन शोरबा, गारत का अर्थ है खराब या बर्बाद, हरीरा उबलते हुए दूध में मेवा आदि मिलाकर बनाया गया स्वादिष्ट पेय क्या कहलाता है, हरीरा, फौरन तुरंत, झिंझोड़कर झकझोरकर, पाबंदी का अर्थ है रोक टोक, तरकीब का अर्थ है उपाय, इकरार का अर्थ है वादा या प्रतिज्ञा, दुरुस्त का अर्थ है ठीक करना, शिकने का अर्थ है सलवटे, गुसल खाना का अर्थ है स्नान घर, किसने किससे कहा। तो ये बच्चों, आप मेरे इस वीडियो का भाग एक अच्छी तरह पढ़ेंगे समझेंगे, तब इसका उत्तर आपको आराम से आ जाएगा। हर वक्त मेंढक की तरह टराया जाता है, ये बात किसने कही, भाईजान ने, किससे, आरिफ से, कोई जरूरत नहीं है उद्धम मचाने की, तो ये बात अम्मी ने कही, किससे, आरिफ व सलीम से, कितना हरीरा पियेंगी आप, पेट फट जाएगा, ये बात आरिफ ने कही, किससे, अपनी दादी से, अम्मी शाम को मैं देर से आऊंगा, ये बात भाईजान ने कही, किससे, अम्मी से, हमारे कॉलेज में आज फंक्शन है, तो ये बात आपा ने कही, किससे, सलीम से। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अम्मी आरिफ और सलीम को कब सोने के लिए आवाज लगाती थी, जब वे दोस्तों के साथ बैठे कव्वाली गा रहे होते थे, उसी वक्त अम्मी सोने के लिए आवाज लगाती थी, इसलिए ये बात बच्चों को अच्छी नहीं लगती थी। कभी सुबह बड़े मजे से दोनों आइसक्रीम खाने के सपने देख रहे होते, तो उस वक्त आपा जगा देती। आरिफ और सलीम अपने बड़ों से परेशान क्यों थे? आरिफ और सलीम अपने बड़ों से परेशान थे क्योंकि हर वक्त पाबंदी, हर वक्त तकरार से दोनों की मुसीबत में जान थी। बच्चे अपनी मर्जी से चूं भी न कर सकते थे। कहने का अर्थ है कि बड़े दोनों बच्चों को हर बात पर पाबंदी लगाते थे और टोका टाकी करते थे, तो इसी बात को लेकर दोनों परेशान रहते थे कि उनके घर वाले उनको समझते नहीं हैं। दोनों ने मिलकर क्या योजना बनाई? दोनों ने मिलकर योजना बनाई कि एक दिन उन्हें बड़ों के सारे अधिकार दे दिए जाएं और सब बड़े छोटे बन जाएं। सबसे पहले आरिफ ने अम्मी को क्या आदेश दिया? सुबह होने के कई घंटे पहले ही आरिफ ने अम्मी को जल्दी उठकर नाश्ता तैयार करने का आदेश दिया। दादी ने आरिफ को मारने के लिए हाथ क्यों उठाया? जब आरिफ ने दादी से कहा, तोबा है दादी, कितना हरीरा पियेंगी आप, पेट फट जाएगा, तब दादी ने आरिफ को मारने के लिए हाथ उठाया। अब्बा का हंसते हंसते बुरा हाल क्यों हो गया? सलीम ने जब अब्बा से कहा, जरा अब्बा की गत देखिए, बाल बढ़े हुए,
सेव नहीं की, कल कपड़े पहने थे और आज इतने मैले कर डाले, आखिर अब्बा के लिए कितने कपड़े बनाए जाएंगे। ये सुनकर उनका हंसते हंसते बुरा हाल हो गया, क्योंकि बच्चे अपने बड़ों की ही नकल उतार कर उन्हीं की भाषा में उनको समझा रहे थे। तो उनकी बातें और उनकी नकल सुनकर अब्बा का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। सलीम ने खान सामा को कौन से व्यंजन बनाने को कहा? सलीम ने खान सामा को गुलाब जामुन, गाजर का हलवा और मीठे चावल बनाने को कहा। आरिफ ने भाई साहब से क्या कहा? खबरदार, कोई जरूरत नहीं फिल्म देखने की, इम्तहान करीब है और हर वक्त सैर सपाटों में गुम रहते हैं आप। तो ये बात आरिफ ने भाई साहब से कही। आपा क्यों चिढ़ गई? सलीम ने आपा का मुआयना करते हुए कहा, इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी, शाम तक गारत हो आएगी, यानी शाम तक ये खराब हो जाएगी, इस साड़ी को बदल कर जाइए, आज सफेद वायल की साड़ी पहनना। उसकी ये बात सुनकर आपा चिढ़ गई। इस पाठ का नाम एक दिन की बादशाहत क्यों रखा, इसका कोई और नाम सुझाइए। तो पाठ के अनुसार बच्चों को एक दिन के लिए सारे अधिकार दे दिए, इसलिए इस पाठ का नाम एक दिन की बादशाहत रखा गया, यानी उनको एक दिन के लिए पूरे घर का बादशाह बना दिया, उन्हीं का हुक्म पूरे घर में चल रहा था। इसका कोई और नाम सुझाइए। तो इसके दूसरे नाम हो सकते हैं, जैसे बच्चे उस्ताद, छोटे मियां का राज। इसके अलावा बच्चों, आपको कौन सा सुझाव आ रहा है उसका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। नीचे लिखे शब्दों का हिंदी पर्याय लिखिए। वक्त का, समय, अम्मी, माँ, चीज, वस्तु, हुक्म, आदेश, जरूर, पक्का, फौरन, तुरंत, किताब, पुस्तक, वगैरह आदि, इजाज़त, अनुमति, मेहरबानी, दया, किस्म, प्रकार, अब्बा, पिताजी, दफ्तर, कार्यालय, अखबार, समाचार पत्र, शर्मिंदा, शर्मसार। शब्दार्थ लिखिए, यानी इन शब्दों के अर्थ बताइए। दरख्वास्त का अर्थ है प्रार्थना पत्र, अधिकार, हक। अधूरी का अर्थ है अपूर्ण, बेबस, विवश। दुरुस्त का अर्थ है ठीक, यानी दोष रहित। लापरवाही, असावधानी। इम्तहान का अर्थ है परीक्षा। निहायत का अर्थ है निर्देश, निवाला, टुकड़ा। खानसामा, रसोईया। अरबी फारसी के शब्दों का सही उच्चारण करने के लिए उनके नीचे नुक्ता, ये देखो इस तरह की डॉट लगाई जाती है, जैसे जय के नीचे, ये देखो। तो इसे कैसे बोला जाएगा? कागज। पाठ में अनेक ऐसे शब्द आए हैं, उन्हें ढूंढकर यहाँ लिखिए। उदाहरण के लिए लिहाजा, फौरन, मर्जी, जरा, जरूरत, सिर्फ, मेज, जबरदस्ती, ऑफिस, आरिफ, कमीज, हर्ज। इसके अलावा कोई और शब्द हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो। विस्मय, भय, हर्ष, क्रोध आदि भाव प्रकट करने वाले शब्दों को विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं, जैसे वाह, क्या सुंदर गुलाब खिला है। तो ये किस वक्त काम आता है? अगर आपको किसी बात के लिए आश्चर्य हो, डर लग रहा हो, आप खुश हो, गुस्से में हो, सब जगह इसको काम में लेते हैं अपने भावों को प्रकट करने के लिए। जैसे ओफो, दादी तो शोर के मारे दिमाग पिंगलाए दे रही है। खबरदार, आरिफ ने आंखें निकालकर उन्हें धमकाया। हाय, दिमाग फटा जा रहा है शोर के मारे। अरे रजिया, तुम कब आई? वाह, कितना स्वादिष्ट खाना बनाया है खान सामा ने।
इस पाठ में अनेक मुहावरे आए हैं, नीचे लिखे मुहावरों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो सबसे पहले बच्चों आपको इन मुहावरों का अर्थ समझना होगा। जैसे खून का घूंट पीना, तो इसका अर्थ क्या होगा? अपना क्रोध या दुख प्रकट न होने देना। वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? सुनील को दादाजी ने जब बिना गलती के डांट दिया, तब वह खून का घूंट पीकर रह गया। आंखें दिखाना, गुस्से या क्रोध भरी नजरों से देखना। चिंटू मेहमानों के सामने बदमाशी कर रहा था, तभी माँ ने उसे आंखें दिखाई। मुंह में पानी आना, किसी चीज के लिए लालसा आ जाना। गरम गरम जलेबियां देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। तू तू मैं करना, आपसी बहस या लड़ाई। कुछ लोग बस में सीट के लिए तू तू मैं करने लगे। पंजा मारने का अर्थ है झपट्टा मारना। चूहे को देखते ही बिल्ली ने उस पर पंजा मार दिया। यदि आपको एक दिन के लिए अपने स्कूल का प्रधानाचार्य बना दिया जाए तो आप क्या क्या कार्य करेंगे, लिखिए। तो ये बच्चों आपको अपने मन के हिसाब से लिखना है कि आप क्या क्या बदलाव करना चाहेंगे। उदाहरण के लिए, मैं बच्चों के लिए खेल का एक घंटा अनिवार्य कर दूंगी। खेल के नए नए सामान लाने के आदेश करूंगी। हर सप्ताह बच्चों के लिए एक ज्ञानवर्धक फिल्म चलेगी व महीने में एक बार पिकनिक। CBT और NBT की पुस्तकें अपने पुस्तकालय से लेकर पढ़िए। अपने स्कूल के वार्षिक समारोह में अपनी कक्षा के कुछ बच्चे मिलकर इस पाठ का मंचन कीजिए और सबको हंसाइए, जो कि आपको इस पाठ के भाग एक वीडियो में देखने को मिलेगा। उसका आप अपने स्कूल में मिलकर मंचन कीजिए, यानी एकांकी करना है। बच्चों इस पाठ को एक बार फिर से पढ़ें। पाठ को अच्छी तरह से समझने के लिए इसके अर्थ व अभ्यास प्रश्नों वाले मेरे वीडियो को जरूर देखें। अगर बच्चों आपको एक दिन के लिए चिड़ियाघर का मालिक बना दिया जाए तो आप जानवरों के भले के लिए क्या क्या करेंगे? तो आपके मन में इसके लिए क्या क्या विचार आ रहे हैं, क्या आइडिया आ रहे हैं, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। सुझावों व सुधारों के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।